एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड। द वेट ऑफ सब्सटेंस किस पे डिपेंड है ये हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ में देखा है। अगर यहां पे क्या है, इन द सेकंड केस फैराडेज सेकंड लॉ में क्या है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे केस में वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या मायने रखता है, किस पे डिपेंड रहता है, ये फैराडेज सेकंड लॉ में बोला गया है। तो चलो शुरू करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। मेरा नाम है सदाशिव ठाकरे और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लैनेट। अगर आपको मेरे चैनल या वीडियोज मेरे अच्छे लगते हैं तो आपको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द फैराडेज सेकंड लॉ इलेक्ट्रिसिटीज इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या हुआ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ में खाली एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें वन इलेक्ट्रोलाइट में जो वेट सब्सटेंस हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, दैट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना सिंपल है फैराडेज फर्स्ट लॉ। मगर फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर विद द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड इन सीरीज है और द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो क्या होता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। दीज टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज। ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। तो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो ऐसे केस में क्या होता है, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड दोनों का मतलब क्या, समझो फॉर एग्जांपल दिस इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे हम W1, उसको बोलेंगे W2। यहां पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा होगा उसका क्या क्या करना है, W1 कहेंगे, और यहां पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है उसको W2 कहेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब यहां पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट, और यहां पे जो जिसका वेट डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट उस पे डिपेंड करता है। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। मींस व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड W1 यहां पे कहेंगे W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस सो आई कैन राइट हियर W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E1 एंड W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 सो दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। क्या होता है फैराडेज सेकंड लॉ में, क्या डिफरेंस है फैराडेज फर्स्ट लॉ में, क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसमें वेट डिपॉजिट हो रहा है तो इट्स डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर सेकंड लॉ में क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम ही है और दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इधर का इधर और इधर का उधर। मतलब क्या, यहां पे कैथोड कॉपर है, समझो कैथोड है, कैथोड पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो उस किसका वेट डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का वेट कितना होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के उतना ही होगा। W2 मतलब क्या, यहां पे क्या होगा, जिंक का वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है मतलब जिंक का वेट कितना आएगा, जिंक के इक्विवेलेंट वेट के उतना ही आएगा,
इट इज कॉल्ड एज फैराडेज सेकंड लॉ। ओके दोस्तों, आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्यूरीज है, आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए।